वेलकम टू करण क्रंच तो इस प्लेलिस्ट में हम कवर कर रहे हैं आपका जीके वाला पार्ट ठीक है जिसमें हमें कवर करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका लेक्चर नंबर फोर्थ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपने पहले तीन लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाके वो देख सकते हैं वहाँ पे मैंने कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल दोनों परस्पेक्टिव में जो वीडियो है वो अपलोड किए हैं एंड दिस इज माई प्रोफाइल दिस इज मी कुरत मलिक इंजीनियर रिसर्च स्कॉलर इन सोचालोजी यू जी सी नेट क्वालिफाइंड सोचालोजी आई गुड सिक्स प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड एव टॉट एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टडी आई क्यू एंड अन अकेडमी एज वेल ठीक है like an well. वहाँ से आप मेरी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं तो जो आज का वीडियो है उसमें हम करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप मेरी चैनल पे देखेंगे तो वहाँ पे एस एस की अलग प्ले बनी हुई है तो स्पेशलाइजेशन का कोर्स भी आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा जिसमें हमारा यूनिट फोर करंटली चल रहा है एंड एम सी का वीडियो भी फर्स्ट चैप्टर के एम का वीडियो वो भी अभी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा तो अगर आप वो वाले पार्ट भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी आप मेरी चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बेसिक सारा बता दिया ठीक है हमने प्रियम्बल पढ़ा हमने उसकी सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली एंड प्रियम्बल uh, के फिर फैक्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स वो सारा हमारा क्लियर हो गया तो आज का जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो क्या फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम ऐसे बोर्ड पे पढ़ेंगे तो आपको क्या करना होगा पेन पेपर साथ में लेना होगा एंड आपको साथ साथ अपने नोट्स बनाने होंगे ठीक है तो जहां पे मुझे लगेगा वहां पे मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन आपको अपलोड कर दूंगी उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो जब हम बेसिक फीचर्स की बात करते हैं पहला पॉइंट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है वो है फेडरलिज्म <laughs> अब आप सोचो ये फेडरलिज्म क्या होता है मतलब आप नहीं सोचो मैं आपको बताती फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है हमारे पास टू या मोर देन टू गवर्नमेंट्स होती हैं टू और मोर देन टू गवर्नमेंट्स और इन गवर्नमेंट्स के बीच में आपको डिविजन ऑफ पावर भी देखने को मिलेगा अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि इंडिया में ऐसा किस तरीके से प्रेजेंट है आपको इंडिया में गवर्नमेंट किस कॉर्म में देखने को मिलती है अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ठीक है लेजिस्लेटिव होती है आपकी लॉ मेकिंग बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव होते हैं जो उस लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं आपके प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर देन आपका प्रेजिडेंट जो है विद एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है ठीक है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जैसे आई एस ऑफिसर्स एक्सेट्रा तो वो आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं लेजिस्लेचर में हम बोलते हैं पार्लियामेंट आता है जो आपके लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं ठीक है ये क्या करते हैं लॉ मेकिंग बॉडीज ये लॉ बनाती हैं तो दो आगे हमने दो पढ़े एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आपके लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें ये सारी बॉडीज आती हैं एंड एंड लेजिस्लेटिव होते हैं जो आपके लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं जैसे आपका पार्लियामेंट अब वापस आ जाओ इस पॉइंट पे फेडरलिज्म फेडरलिज्म मैंने कहा फेडरलिज्म जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होगा दैट मीनस वहां पे आपको दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेंगी अब आपको जो ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है ये आपको यूनियन लेवल पे भी देखने को मिलता है एंड आपको ये स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलता है इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आपको इस डायग्राम से दिखाती हूँ इंडिया उसमें हमने देखा एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी एंड लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी ठीक है ये जो एग्जीक्यूटिव है ये यूनियन गवर्नमेंट में भी प्रेजेंट है मतलब सेंटर का अपना है जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर वगैरह ठीक है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ये आपको स्टेट गवर्नमेंट में भी देखने को मिलेगा जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी और जब फंक्शनिंग थी तो इसकी अपनी गवर्नमेंट थी ठीक है तो इसका अपना जैसे यहाँ पे क्या था एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ अपना सीएम था यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में सेंटर में क्या है प्रेसिडेंट तो इसका अपना गवर्नर था ठीक है यहाँ पे मैंने आप लोगों आई एस ऑफिसर्स यहाँ पे आपको बाकी स्टेट के सिविल सर्वेंट्स देखने को मिलते थे ठीक है तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तो फेडरलिज्म क्या है दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स प्रेजेंट है दैट मीन सेंटर में एक गवर्नमेंट मिलेगी स्टेट में एक गवर्नमेंट मिलेगी ऐसा नहीं है सिर्फ डेली ही है हमारे पास एंड वही स्टेट्स को चला रही है नहीं आपको स्टेट में अपनी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी लेजिस्लेचर में आप सेंटर में क्या देखते हो यूनियन यूनियन सेटअप में क्या देखते हो पार्लियामेंट जो लॉ क्रिएट करता है एंड स्टेट में क्या देखते हो हमारी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके अपने एमएलएज हैं पार्लियामेंट में क्या है आपके एम तो हमें दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है हमें यूनियन में एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है एंड लेजिस्लेटिव देखने को मिलता है वैसे ही हमें स्टेट में स्टेट uh, में हमें एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है आपके सीएम गवर्नर वगैरह एंड वही स्टेट में हमें लेजिस्लेटिव देखने को भी मिलता है जैसे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है तो यही इसका मतलब हुआ फेडरलिज्म वो फीचर है जो आपको बताता है कि यू हैव गॉट टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्लस और एक चीज मैंने कही थी इनके बीच में डिविजन ऑफ पावर है याद करो प्रीवियस लेक्चर मैंने क्या कहा आपको जब मैंने आपको शेड्यूल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको सेवेंथ शेड्यूल में क्या कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ये सेवंथ शेड्यूल में भी प्रेजेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड किया जाता है उसका क्या मतलब हुआ आपको लॉ बनाना होता है वेरियस सब्जेक्ट्स पे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर पे आप लॉ बनाते हो आप वाटर इन चीजों पे लॉ बनाते हो ठीक है आप फैमिली पे लॉ बनाते हो आप एजुकेशन पे लॉ बनाते हो इन

ठीक है तो फेडरलिज्म की पहली कंडीशन पूरी हो गई पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थे ये पहली कंडीशन थी सेकेंड कंडीशन क्या थी फेडरलिज्म का क्या होता है कि वहां पे डिविजन ऑफ पावर होता है वो भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा तो आप बोल सकते हो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज फेडरल इन कैरेक्टर ठीक है यही इसका मतलब होता है अब इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में होंगे कुछ स्टेट में होंगे एंड कुछ कॉन्ट में होंगे जिसमें दोनों बना सकेगी तो अगर आप की देखना चाहो फेडरलिज्म का जो हम कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज स्टेट ऑटोनोमी ऑटोनॉमी इज इंडिपेंडेंस दैट मीन्स स्टेट जो है इट फंक्शन बाय इट सेल्फ ठीक है अगर अभी तक भी किसी को ये समझ में नहीं आया तो इसका ऑपोजिट क्या होगा फिर फेडरलिज्म का वैसे आपको समझ में आ जाएगा यूनिटरी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होगी जहाँ पे सेंटर के पास ही सारा कंट्रोल होगा एंड स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं होगा पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के पास भी अलग पावर है हम यूनिटरी नहीं है हम एक हम फेडरल इन नेचर हैं अब ये जो फेडरलिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा दैट मीन्स इट हैज़ गॉट सर्टन एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन क्या है वो हम अभी देखेंगे हमारे पास फेडरलिज्म है लेकिन वो कंप्लीट फेडरल इन कैरेक्टर नहीं है ऐसा नहीं है स्टेट्स के पास पावर है तो स्टेट को बिल्कुल ही पावर दे दिया गया है सब कुछ करने का अपनी मनमर्जी करने का ऐसा नहीं होता है जो इंडिया में हम जो चलाते हैं फेडरलिज्म उसको हम बोलते हैं कि इंडिया का फेडरलिज्म है बट विथ स्ट्रांग सेंटर फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इंडिया में थ स्ट्रोंग सेंटर ठीक है इसका क्या मतलब हुआ इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा अगर आप नॉर्मली किसी नोट्स उठाओ कोई नोट उठाओ याद करने बैठो फेडरलिज्म है फीचर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर तो आपको क्या पता चलेगा फेडरलिज्म क्या होता है कुछ भी नहीं तो वैसे रटा करके इंसान ज्यादा टाइम तक वो नॉलेज जो है वो नहीं रख पाता दिमाग में तो एग्जाम्पल्स क्या है इसकी हम बोलते हैं फेडरलिज्म है दैट मीन डिविजन ऑफ पावर भी है दो गवर्नमेंट्स भी हैं लेकिन सेंटर फिर भी स्ट्रांग है एग्जाम्पल फिर से हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं हमने कहा हमारे पास तीन लिस्ट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन लॉ बना सकता है बोथ स्टेट्स एंड यूटीज अब अगर सोचो बोथ स्टेट एंड योर सेंटर ठीक है अब सोचो अगर कोई एक लॉ बनाया सेंटर ने ठीक है कोई एक लॉ बनाया स्टेट ने और उन दोनों लॉज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो किसके लॉज को हम प्रेसिडेंस देंगे मतलब कौन सा लॉ सुपीरियर होगा सेंटर ने भी उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाया स्टेट ने भी उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाया ठीक है तो अब किस कौन सा अब लौ, उन लॉज के बीच में कोई इख्तिलाफ है कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा उस केस में अगर दोनों सेंटर और स्टेट लॉ बनाएगी और हमें किसी एक का लॉ मानना होगा फाइनली कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा कौन सा लॉ सुपीरियर है वो होगा सेंटर का तो फिर हुआ ना स्ट्रोंग सेंटर कंप्लीट फेडरल तो नहीं हुआ ना स्टेट्स के पास ऑटोनोमी है उन्हें कनकरेंट लिस्ट में लॉ बनाया लेकिन अगर वो लॉ हिंडर करेगा पार्लियामेंट के किस बनाए हुए लॉ को तो वहां पे प्रिवेल करेगा पार्लियामेंट का लॉ ना कि आपके स्टेट का लॉ ठीक है तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो कैसे बोलता है कि इंडिया का फेडरलिज्म विद स्ट्रोंग सेंटर है उसकी एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं तो पहली एग्जाम्पल हो गई कनकरेंट लिस्ट में जो है उसकी प्रेसिडेंस किसको होती है सेंटर के लॉ को सेकेंड हम देखते हैं हमारे पास और एक चीज है रेजिडरी पावर रेजरी पावर में क्या होता है वो सब्जेक्ट्स जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हम रेजिडरी इसमें डालते हैं पावर उन पे लॉ बनाना और वो रेजिडरी पावर किसके पास है आपके पार्लियामेंट के पास दैट मींस पार्लियामेंट जो है वो स्ट्रांग है तो जहां पे भी हम पार्लियामेंट को देखेंगे स्ट्रांग दैट मींस आपका सेंटर स्ट्रांग है ठीक है ये हो गया हमारा फेडरलिज्म क्या है फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉग सेंटर सेकेंड हमारा क्या है इंडियन फेडरलिज्म का नेचर कि इंडियन जो फेडरलिज्म है उसमें मिलेगा आपको देखने को फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म ठीक है फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म क्या हुआ अगर कोई नेशनल इमरजेंसी हो जाती है फॉर एग्जाम्पल वो आपके आर्टिकल इसमें मैंशन है आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के अकॉर्डिंग आपको डिटेल में नहीं जाना उसमें नेशनल इमरजेंसी हो गई उस केस में जो आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें दो गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट है डिविजन ऑफ पावर है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मैंने अभी बताया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है जिसमें सेंट्रल सारा कंट्रोल करती है ठीक है तो ये भी एक फेडरलिज्म का फीचर हुआ एक बार मैं आपको फिर से क्विक रिविजन देती हूँ इंडिया में हम देख रहे हैं आ, इंडिया का बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म है अब इंडियन फेडरलिज्म हम पहले मैंने आपको फेडरलिज्म एक्सप्लेन किया अब इंडियन फेडरलिज्म है फेडरलिज्म विद सर्टेन एक्सेप्शन वो क्या है कि इंडिया फेडरलिज्म में आपको मिलेगा फेडरलिज्म है विद स्ट्रॉग सेंटर उसकी एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कैसे स्ट्रांग है सेंटर इसमें सेकेंड फेडरलिज्म का क्या है हमारा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर कि इंडिया में आपको फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म देखने को मिलेगा दैट मीन्स कहीं कहीं पे जो सेंटर है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी आ जाती है आपके स्टेट से ठीक है और इंडियन फेडरलिज्म जो है उसको हम बोलते हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म दैट मीन्स यहाँ पे जो अलग स्टेट्स हैं उनको आपस में क्या करना होता है कॉपरेटिव नेचर uh, में काम करना होता है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री हो जाए इस कॉपरेटिव फेडरलिज्म की जगह कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने ये टर्म यूज किया था कहा था कॉपरेटिव फेडरलिज्म uh, की जगह आप क्या लेके आओ कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की स्टेट्स आपस में कंपीट करें खुद को बेटर करने के लिए ठीक है ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए अगर कहीं पर कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कॉपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है स्टेट्स आपस में क्या करते हैं वो कॉपरेट करते हैं काम करने के लिए तो ये आपको दिखाता है इंडिया में चलती है अच्छी खासी सेंटर स्टेट रिलेशंस ठीक है इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो आई ऑफिसर्स उनको कौन अपॉइंट करता है सारा एग्जाम सब कुछ कौन कंडक्ट करता है वो सेंटर से होता है एंड देन वो कहां पे जाते हैं ड्यूटीज अपनी परफॉर्म करने के लिए स्टेट में तो ये डिपेक्ट करता है एक फॉर्म ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस ठीक है तो इसको हम बोलते हैं कॉपरेटिव टाइप ऑफ फेडरलिज्म फोर्थ इंडियन फेडरलिज्म का फीचर है इंडिया में आपको ए समिट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिलेगा अब इंडिया में आपने कहा स्टेट इटोनोमी है लेकिन वो स्टेट्स भी आपस में इक्वल नहीं है कैसे अब तो चलो ये पॉइंट वैलिड नहीं है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आर्टिकल 370 सेवेंटी जे एंड के को स्पेशल प्रोविजन देता था दैट मीन जे के बाकी स्टेट्स से जो था वो इक्वल नहीं था कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिली थी अब ये चलो हट गया है तो ये पॉइंट आपके लिए वैलि नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको कहा था एसेमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है करंटली काफी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन के अकॉर्डिंग स्पेशल प्रोविजन एन्जॉय कर रही है दैट मीन्स फेडरलिज्म आपको स्टेट इटोनोमी देता है लेकिन साथ में एसेमेट्रिक फेडरलिज्म है जो कहता है कि सारी स्टेट्स भी आपस में इक्वल नहीं है देखिये तो पहला फीचर हमने डिस्कस किया फेडरलिज्म इंडियन uh, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं इंडिया में क्या है फेडरलिज्म है सेकेंड हम उसके बाद में हमने इंडियन फेडरलिज्म कैरेक्टरिस्टिक उसके जो एक्सेप्शन है कुछ फेडरलिज्म के वो हमने डिस्कस किए सेकेंड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम फीचर्स पे वापस आते हैं अभी तक हम ये जो चार पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए वो इंडियन फेडरलिज्म के पॉइंट्स थे ठीक है सेकेंड फीचर देखते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एक आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है एंड एक आपका प्रेजिडेंशियल फॉर्म होता है तो इंडिया में क्या चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या किसको किस फॉर्म किस की गवर्नमेंट बोलते हैं ये आपकी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है रेस्पॅसिबल गवर्नमेंट जहां पे आप पे चेक रखा जाता है वो कैसे चेक रखा जाता है आप जो भी काम करो ऑपोजिशन आप पे नजर रखती है एंड आप पे क्वेश्चन इंपोज करती है ऑपोजिशन आपको क्वेश्चनिंग करेगी ठीक है वो क्वेश्चनिंग बाय मेकिंग इट आंसरेबल तो आप आंसरेबल होते हो लोगों को आपको जवाब देना होता है आपको ऑपोजिशन पार्टीज को आंसर करना होता है तो यू आर आंसरेबल इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इसको क्या बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कौन सी गवर्नमेंट है ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है इस पे आप चेक रखा जाता है वो चेक कौन रखता है आप पे जैसे ऑपोजिशन आपको क्वेश्चन पोज करते हैं तो ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से कुछ भी करो आप पे ध्यान दिया जाएगा वो ध्यान आप पे ऑपोजिशन भी देगी लोग तो चलो दे ही रहे हैं वोटिंग के टाइम पे ऑपोजिशन भी आप पे ध्यान देगी वो आपको क्वेश्चंस पूछेगी जो आपने वो पॉलिसी लेके आई थी फॉलोइंग पॉलिसी आप लेके आए थे उसका क्या बेनिफिट हुआ था जो आपने इतना बजट पे पैसा स्पेंड किया था उसका क्या बेनिफिट हुआ था तो ऐसे सारे क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है अपने ऑपोजिशन को तो इसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या करते हैं और हम रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं दैट मींस रूल ऑफ लॉ दैट मीन्स गवर्नमेंट के नॉट डू वट एवर इट वॉन्ट्स ठीक है पार्लियामेंट को पहले लॉ बनाना होता है ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ भी करेगी उसका मूड आया आज वो एक चीज करे कल दूसरी चीज करे नहीं पार्लियामेंट लॉ बनाती है बाद में वो लॉ जो होता है वो बो द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दैट इज अ लोकसभा एंड राज्यसभा वहां पास हो जाता है जब वो दोनों जगह से पास हो जाएगा फिर वो एक्ट बनता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट काम करती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसमें इंटरडिपेंडेंस होती है जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट अपनी मर्जी नहीं कर सकती है इसको पहले एक लॉ लेके आना होता है वो लॉ दोनों हाउसेस चेक करते हैं फिर जाके वो एक्ट बनता है फिर उस पर काम होता है काम होने के बाद भी उस काम की प्रोग्रेस पे चेक रखा जाता है तो इंडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन जो है ऐसे केसेस में इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हर कोई जो स्टेक होल्डर है वो इन्वॉल्व होता है एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में देखने को मिलती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जैसे मैंने अभी आपको बताया लॉ इंप्लीमेंट करता है लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं ठीक है इनको कोऑर्डिनेट करना होता है साथ में हमारी और एक चीज होती है इसमें जुडिशरी जुडिशरी आपकी क्या होती है वो इंटीग्रेटेड होती है जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट ठीक है तो ये इंटीग्रेटेड मैनर में काम करती है लेकिन ये इंडिपेंडेंट होती है ये आपके एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पे डिपेंडेंट नहीं होती है अगर ये डिपेंडेंट होती तो जुडिशरी जो भी एक्ट या जो भी आगे अपनी प्रोसीडिंग्स करते जो भी रूलिंग्स पास करते वो कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लुएंस होता आपके लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग का या आपके एग्जीक्यूटिव का भी ऐसी चीज ना हो और ये इंडिपेंडेंटली काम कर पाए इसीलिए इंडियन जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा गया लेकिन इंटीग्रेटेड मैनर में जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फिर लोअर कोर्ट वगैरह एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं तो आपका सेकेंड फीचर क्या हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सेकंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड फीचर है इसका कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं दैट ट्रेडिशनल नहीं है मॉडर्न बातें करता है ये बातें करता है इसमें चीजें इंक्लूडेड हैं जैसे इक्वालिटी की लिबर्टी की ठीक है और आपकी डिग्निटी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ये भी इंपॉर्टेंट है फाइन तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रेडिशनल नहीं मॉडर्न है फोर्थ पॉइंट हुआ आपका आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट मीन जो भी बातें बोलते हैं वो कहीं पे रिटर्न कोडिफाइड फॉर्म में है अगर आपको कहीं राइट्स दिए गए हैं ऐसा नहीं है आपको जबानी ओरल वो राइट्स बोले गए हैं कि आप ये कर सकते हो ये कर सकते हो राइट्स मेंशन है आपके आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न फॉर्मेट में प्रेजेंट है तो हमारा इंडिया का क्या आता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्थ येस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अब इसका लेंथस्ट होना बनता भी था क्योंकि इंडिया में क्या है इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें देखो कितनी डाइवर्सिटी आपको एस सीज मिलेंगे एस टीज हैं आदिवासी हैं ठीक है फिर आपको बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं फिर यहाँ पे लेबर्स इतने ज्यादा है बेगर्स इतने हैं तो इतने सारे रिलिजन हैं तो आपको जब भी लॉ बनाओगे आपको हर बॉडी को ध्यान में रखना पड़ता है अकॉर्डिंगली जो भी हम लॉज बनाते हैं वो हमारे एक्सटेंड होते जाते हैं ठीक है तो हमें उसके एक पार्ट के कई ज्यादा सब पार्ट्स बनाने पड़ते हैं ताकि अकोमोडेट कर पाए हर ग्रुप को इसीलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफी ज्यादा लेंथस्ट है सेकेंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स पॉइंट है हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है दैट मीन्स ऐसा नहीं है स्टेट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चला रही है और कंट्री अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चला रही है इंडिया का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है आगे देखते हैं सेवेंथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर मेजर्स का भी ध्यान रखा गया है जो मैंशन है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एट्थ में एट्थ पॉइंट देख लो इंडिया में क्या किया गया है इंडिया में काफी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है जैसे ऑलरेडी सबका काम यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आपका आता है जो भी बॉडी आती है सबको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है और सबकी जो वर्किंग है क्या उनको करना है क्या वो प्रोहिबिटेड है वो कैसे अपॉइंट होंगे वो सारी चीजें मैंशनड है जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है आपका यूपीएससी बॉडी है कैग है स्टेट पी एस सी है ठीक है ट्रिब्यूनल्स हैं या पंचायत हैं ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मैंशन है अब इससे क्या होता है अगर ये चीजें मेंशन नहीं होती कल को कोई को भी गवर्नमेंट आ जाए वो अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन को चलाए वो अपनी मर्जी से पंचायत को चलाए तो लोगों से वोट मांगे ये बोल के अगर मैं इसमें आ जाऊंगा तो मैं पंचायत को ये पावर दे दूंगा अगर मैं मेरी गवर्नमेंट बन गई तो मैं आपके यूपीएससी को ये पावर दे दूंगा पर गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती है क्योंकि पार्लियामेंट में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन uh, में सॉरी ऑलरेडी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस मैंशन है कि हर जो बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो कैसे काम करेगी तो गवर्नमेंट ये करके आपको मेनिपुलेट नहीं कर सकती है अपने बेनिफिट के लिए अगर करती तो इससे क्या हो जाता वर्किंग में इनफिशेंसी आती तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात का भी ध्यान रखा हुआ है देखते हैं ऐसा बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नाइन्थ पॉइंट है एक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है िटी दैट मीन कोई प्रोविजन है वो चेंज करना काफी आसान है जिसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए मतलब फिफ्टी परसेंट प्लस वन होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी ठीक है और कुछ प्रोविजन है उसके लिए आपको स्टेट की परमिशन भी लानी पड़ती है कुछ कोई प्रोविजन है जिसके लिए आपको खतरनाक स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होती है तो तीन टाइप में हम इसके डिवाइड कर सकते हैं प्रोविजन जो भी है पहले हो गए फेडरल प्रोविजन फेडरल प्रोविजन वो होते हैं जिसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों इन्वॉल्व है अगर ऐसा कोई प्रोविजन है उसमें आप चेंज लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए वो चेंज लाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन दैट मीन्स अग्री करने चाहिए उस पे ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स जितनी स्टेट्स हैं उसकी मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स जो हैं अप्रूवल अपना देने चाहिए प्लस स्पेशल मेजोरिटी ये दोनों कंडीशन जब अचीव हो जाएंगी तो ही आप कोई फेडरल प्रोविजन चेंज कर पाओगे फेडरल प्रोविजन होता है जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हो जो प्रोविजन रिलेटेड टू तो सेंटर एंड स्टेट होते हैं ठीक है सेकेंड प्रोविजन को हम बोलते हैं सबस्टैंशियल प्रोविजन आपके थर्ड प्रोविजन में जो की यहाँ थर्ड प्रोविजन है जो है आपका जो रिलेटिवलीस इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए रिलेटिवलीस इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो ये आपको जरा डिटेल में नहीं पड़ने आप सारे प्रोविजन एंड मेजोरिटीज तो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाते हैं तो बेसिकली सिंपल स्पेशल मेजोरिटी क्या है जैसे सिंपल मेजॉरिटी होता है मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट प्लस वन ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ठीक है तो वैसे आपके स्पेशल मेजोरिटी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कौन सी मेजोरिटी से आप कौन सा प्रोविजन चेंज कर सकते हो आपको बस याद रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का दैट मीन्स कोई प्रोविजन होते हैं वो ईजिल चेंज हो जाते हैं एंड कोई प्रोविजन होते हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए एंड कोई प्रोविजन होते हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए स अकॉर्डिंगली जितना आपको स्ट्रॉन्ग चीज चेंज करनी है उतनी ज्यादा उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है और उतनी ज्यादा जो आपको परमिशन अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड होता है इसको बोलते हैं ब्लेंड ऑफ रेजिडिटी रेजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपका नाइन्थ पॉइंट टेंथ पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या चलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंड चाइज दैट मीनस इफ यब एटीन ईयर ऑफ एज यू कैन वोट यू कैन कास्ट वोट इन कास्ट ये वोट ठीक है एंड हमने इंडिपेंडेंट बॉडीज भी डिस्कस कर लिया जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज मैंने कही इंडिपेंडेंट बॉडीज जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है ये आपका ब्लेंड ऑफ रेजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गया जुडिशरी भी हमने देख लिया और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक फीचर ये भी है कि वो सेक्युलर है एंड वर्ड सेक्युलर अमेंडमेंट किससे आया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स से और कौन से दो वर्ड्स आए थे जो कॉमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है एंड आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होती है उनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है वो भी हमें पढ़नी है वो हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे तो वो आपके पार्ट फोर ए का आता है फंडामेंटल ड्यूटीज इसका पार्ट है पार्ट फोर ए का वो हमें डिटेल में देखना है बाद में ठीक है ये हो गया आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सेक्यूलर है एंड आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है कि वेल डिफाइंड राइट्स हैं सारे सिटीजन्स के लिए ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रेजेंट नहीं है जैसे इंडिया में काफी इलाबरेट मैनर में आपके राइट प्रेजेंट है इस वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफी लेंथी हो जाता है क्योंकि इतने ज्यादा राइट आपको गिवन है और वो सारे राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न फॉर्मेट में है तो लेंथी तो हो ही जाएगा ठीक है एंड आपको लास्टली हम देखते हैं कुछ इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका फीचर आप बोल सकते हो बेसिक फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी प्रोविजन्स इमरजेंसी प्रोविजन क्या है वो भी इलेबोरेट uh, है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा कोई भी कंडीशन uh, अराइज हो जाए आपकी कंट्री में जहां सही से काम नहीं हो रहा हो तो प्रेजिडेंट को ये पावर दिया जाता है ऑल तो इसमें आगे काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है अंदर से कि क्या वो रियलिटी में प्रेजेंट का पावर है कि नहीं पर आपको उतना डिटेल में नहीं जाना लेकिन आप बोल सकते हो कि ये इमरजेंसी प्रोविजंस इनेबल करती है प्रेसिडेंट को टू तो मीट कोई भी अगर एक्स्ट्रा सिचुएशन आती है उस केस में अब वो क्या एक्स्ट्रॉडनरी सिचुएशन है वो फॉलोइंग uh, तीन हेडिंग्स में डिवाइड हम करते हैं पहले अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर कि कोई वॉर हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन बाहर से कोई प्रॉब्लम हो जाए और आर्म रिबेलियन कि आप स्टेट के फोर्सेस के अगेंस्ट जो है वो रिबेलियन अपना रिबेल जो है वो डिक्लेयर करो ठीक है तो इन तीन केसेस में अगर इमरजेंसी आ जाए वो किस आर्टिकल में गिवन है आर्टिकल 352 ये आपको याद रखना है ठीक और एक चीज में याद रखने वाली है जो ये टर्म है आर्म रिबेलियन एक्चुअली ये आर्म रिबिलियन पहले नहीं गिवन था इसमें कोई और वर्ड था वो था आपका 44 फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट से आर्म रिबेलियन हमने एड किया लेकिन जो एक्चुअली टर्म था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था इंटरनल डिस्टर्बेंस तो उसको फिर इन्होंने ज्यादा स्पेसिफाई किया और फोर्टी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट से चेंज करके उसको क्या नाम रखा उसका आर्म रिबेलिन तो अगर इन तीन केसेस पे कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो डिक्लेयर कर सकता है उसमें प्रेसिडेंट कि नेशनल इमरजेंसी का टाइम आ गया नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करो ये गिवन है आर्टिकल 358 में 352 में सॉरी या अगर जैसे आपने सुना होगा कश्मीर में भी सुना होगा आपने कई बार गवर्नर रूल, प्रेजिडेंट्स रूल आ गया है अगर प्रेजिडेंट्स रूल डिक्लेयर हो जाए तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी है प्रेजिडेंट्स रूल का डिक्लेयर होना अब वो दो ग्राउंड पे डिक्लेयर हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना ब्रेक डाउन या आपके सेंटर के डायरेक्टर्स के साथ आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो सेंटर की डायरेक्शन आप नहीं मान रहे हो अगर प्रेजिडेंट्स रूल आता है कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन की वजह से वो है गिवन आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स में अगर सेंटर के डायरेक्ट डायरेक्शन जो है आप फॉलो नहीं कर रहे हो उस वजह से आप प्रेजिडेंट रूल लेके आओगे तो वो आता है आर्टिकल थ्री सिक्सटी फाइव में ठीक है एंड थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो वो उस केस में होती है अगर फाइनेंशियली uh, कोई हो जाए प्रॉब्लम जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट मिले इंडिया के ये अभी तक uh, कभी नहीं आई है इंडिया में तो ये है प्रेजेंट आपके आर्टिकल 360 में तो आपको डिटेलिंग में नहीं जाना हर इमरजेंसी में क्या होता है बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक फीचर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजन्स तो आपके लिए एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कितनी टाइप की इमरजेंसीज है और किस किस केस में वो आ जाती है और वो ये पांच चार आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं एंड फाइनली और एक ये देख लो सिक्सटींथ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट वाला की हमारे पास थ्री टीयर गवर्नमेंट है थ्री टीयर गवर्नमेंट मीन्स आपके पहले सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट चलती है देन आपकी स्टेट गवर्नमेंट है एंड विलेज लेवल पे क्या है आपके या ब्लॉक लेवल पे या म्यूनसिपैलिटी लेवल पे यहाँ आपके पंचायत है और यहाँ पे आपकी अर्बन लोकल बॉडीज है तो कमेंट्स में बताओ ये किस अमेंडमेंट एक्ट से आई थी एंड ये किस अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये हमने प्रीवियसली प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा रहता है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी एक बार क्विक हम देख लेते हैं रिविजन इसका ताकि कोई चीज आप छूटे ना आपसे एंड जल्दी जल्दी आपको चीजें रिवाइज हो जाए पहले हमने बात की बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले हमने कहा फेडरलिज्म बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म क्या होता है कि आपके पास मोर देन टू टू गवर्नमेंट्स होती है उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर होता है तो ये मैंने आपको बताया दो गवर्नमेंट्स हैं यूनियन एंड स्टेट की हमारे पास एंड डिवीजन ऑफ पावर्स हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग लिस्ट है फिर हमने देखा जो इंडियन इसका कीवर्ड क्या है फेडरलिज्म का आपका स्टेट इटोनोमी ठीक है फिर हमने देखा जो ये इंडियन फेडरलिज्म है इसके कुछ फीचर्स हैं

नेशनल इमरजेंसीज के टाइम पे क्या होता है जो आपका फेडरल कैरेक्टर है कंट्री का दैट मीन्स जहां पे आप सेंटर अलग है स्टेट अलग है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो जाता है दैट मीन्स आपका सेंट्रल का जो रोल है सेंट्रल की अथॉरिटी पावर बढ़ जाती है और फेडरल नेचर जो है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है आपस में कॉपरेटिवली काम करें जैसे आपके आई ऑफिसर्स एक एग्जाम्पल है हमारा एसेमेट्रिक फेडरलिज्म है ठीक है दैट मीन्स कुछ स्टेट्स जो हैं वो उनको ज्यादा पावर दिए जाते हैं देन आपके अदर स्टेट्स फॉर एग्जांपल आर्टिकल 371 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कुछ स्पेशल पावर्स मिले हैं तो ये चार पॉइंट्स हो गए इंडियन फेडरलिज्म कैरेक्टर के लेकिन इसको जनरली बोला जाता है इंडिया में फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है विद स्ट्रॉग सेंटर सेकेंड मोस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबल है रूल ऑफ लॉ आता है यहाँ पे एंड यहाँ की जुडिशरी भी हमने डिस्कस की इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट है फिर हो गया थर्ड पॉइंट एक्चुअली फोर्थ पॉइंट है जो डिशरी वाला थर्ड आएगा आप छोड़ो वो आप खुद ही चेंज कर लेना मॉडर्न कॉन्स्टिट्यून में इक्वालिटी लिबर्टिव डिग्निटी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सारा क्वॉडिफाइड फॉर्म में है लेथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है स्टेट का अपना होगा एंड सेंटर का अलग होगा वेलफेयर मेजर्स इसमें इंक्लूडेड है डीपीएसपी इसमें इंडिपेंडेंट बॉडीज जो है वो स्पेसिफिकली मैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन के अंडर की उसमें हर कोई कैसे काम करेगी ताकि उनके काम में कोई इंटरफेयरेंस ना हो एंड गवर्नमेंट इसका गलत यूज ना करे इलेक्शन में फिर आके आपके ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है वो मैंने कहा कुछ प्रोविजन है वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाते हैं कुछ प्रोविजन जो है फेडरल प्रोविजन जिसमें सेंट्रल स्टेट इन्वॉल्व होते हैं उसमें रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए दैट मीन अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स एंड कुछ प्रोविजन हैं जिनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है ठीक है फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है अबो एटीन ईयर्स कैन कास्ट वोट सेक्यूलर है वो हमने ऐड किया था फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं फंडामेंटल राइट्स हैं एंड बाद में हमने देखा था इमरजेंसी प्रोविजन है कुछ वो क्या प्रोविजन है इमरजेंसी कैसे कैसे आती है किन केसेस में आती है और इमरजेंसी में होता क्या है बेसिकली अगर कोई भी अनफोर्सिन ऐसे कंडीशन आ जाए हमारे कंट्री में तो प्रेजेंट को ये पावर दिया जाता है डिक्लेयर करने के लिए इमरजेंसी ठीक है उसमें आपके काफी पावर्स कर्ब हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स कर्ब हो जाते हैं तो काफी डिटेल टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन्स का पर सिंस आपके टॉपिक सिलेबस में सेपरेटली मैंशन नहीं है हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है पर इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए इमरजेंसी तीन केसेस में आती है जो मैंशन है आर्टिकल थ्री में फर्स्ट आर्टिकल 356 एंड 365 में सेकंड एंड 360 में थर्ड किन किन केसेस में आती है नेशनल इमरजेंसी इसको बोलते हैं अगर वॉर हो जाए कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए बाहर से कोई प्रॉब्लम हो या आर्म ड्रिब्यूलिन हो ये आर्म रिब्यूलन जो है ये पहले क्या था इंटरनल डिस्टर्बेंस इसको बाद में चेंज किया गया था फोर्टी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट से सेकेंड केस में कब आती है इमरजेंसी उसको प्रेजिडेंट्स रूल बोलते हैं वो तब होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए किसी स्टेट की तो वो प्रेजेंट टेक ओवर करेगा वो स्टेट वहां पे प्रेजेंट रूल लागू हो जाता है वो गिवन है आर्टिकल 356 में अगर सेंटर के ऑफ सेंटर की बातें नहीं मानो उसमें आप कॉम्प्लाई करने में फेल हो जाओ तो भी प्रेजेंट रूल लग जा लग सकता है आर्टिकल 365 के अंडर वो आता है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी ये किस आर्टिकल में गिवन है आर्टिकल 360 एंड देन आपकी थ्री टेयर गवर्नमेंट है यहाँ पे आपका यूनियन होता है फिर स्टेट गवर्नमेंट है आपका विलेज लेवल पे पंचायत चलता है एंड आपके टाउन लेवल पे आ, अर्बन लोकल बॉडीज चलती हैं जो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वो आती हैं ठीक है ठीके? तो यर योर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फंडामेंटल राइट्स जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएस पे आएगी सही दो तीन टॉपिक्स हमारे रहते हैं और इसके साथ ही फिर हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन कवर हो जाएगा तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे